मनुष्य को कर्म करना चाहिए, कर्म अच्छे होंगे तो फल भी अच्छा मिलेगा। ये बात बाबा कुटिया में चल रही भागवत कथा के दौरान आचार्य राजेश शास्त्री ने कही। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भागवत की गीता धार्मिक पुस्तक है बल्कि ज्ञान का भंडार है। जो भी मनुष्य भागवत गीता का पाठ करता है उसके जीवन में कभी निराशा नहीं आती। कथा के आयोजक श्री प्रकाश प्रजापति एवं आशा देवी ने बताया कि पिछले दिनों वे लोग गंगा सागर स्नान करने गए थे, वहीं पर उनका मन भागवत कथा कराने का हुआ। वापस आते ही कथा का आयोजन किया गया ताकि क्षेत्रवासियों को भी इसका लाभ मिल सके। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि आगामी 7 तारीख को कथा के समापन के उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पिंटू प्रजापति, रिंकू प्रजापति, अमित प्रजापति समेत आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। ये भागवत बाके बिहारी की याद में हो रही है। बाबा को क्या निवासी ज्ञान में 29 तारीख को पहली स्थापना थी और 7 तारीख को समाप्ति है भंडारा। प्रजापति समस्त परिवार लगा दीजिए, बाकी मन में दिया हुआ है तो अब किसी में हो रही पहली बार हो रही है। शास्त्री जी, राजेश शास्त्री, जयराम शास्त्री अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। आइए आज तीसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करते हैं। एक बार सभी लोग बांके बिहारी के नाम का उच्चारण करें। बोले बांके।